हे गाइस, गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल मित्तल, बाय प्रोफेशनल ट्रेनर। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब कैसे हैं गाइस? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें। और अक्सर लोगों की डिमांड रहती है कि सर, आप डे में तो बहुत सारी वीडियो अपडेट करते हैं, पर नाइट की भी वीडियोज़ बनाया करिए, ताकि ये पता चल जाए कि सामने से आने वाली गाड़ी से हम कैसे बचेंगे, सिंगल रोड पे अगली गाड़ी को कैसे पासिंग डिफर देंगे, कैसे कितनी दूरी से हम टर्न करेंगे, क्योंकि सामने से आने वाली गाड़ी का अंदाज़ा नहीं मिल पाता, सिर्फ उसकी लाइट को देख के हमें अंदाज़ा लेना होता है। रात में चलाना थोड़ा टफ होता है। तो मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है, मैं उनका नाम जान लेता हूँ, क्या नाम है, कौन सा डे है, क्या कॉन्फिडेंस है, और अभी उन्होंने नाइट में कितनी बार चलाया है। हेलो मैम, गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका? गुड इवनिंग, सरोज पांडे। मैम, मेरे साथ है सरोज पांडे जी, और आज नाइट में कौन सा डे है आपका? सेकेंड डे है। तो डे में आपने चलाया और नाइट में क्या डिफरेंस है? डे में सर दिखता है, दूर तक दिखता है, और नाइट में बहुत अंदाजा लगाना उतने दिखता है जितना लाइट आपकी है ना। जितनी लाइट जाती उतने दिखता है। तो डे के हिसाब से नाइट में चलाना टफ है, लेकिन एक चीज मुझे पता, हाँ, अगर डे में आप 10 दिन चलाते और नाइट में 5 डे चलाते तो बराबर है। ठीक है, तो अभी दोस्तों आप देखेंगे, जैसे कि अभी हम बादशाह नगर वाले रोड पे हैं, सचिवालय कॉलोनी में, और मैम चला रही हैं, ये सेंट्रो कार है हुंडई की, और पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, पावर ब्रेक। और अभी हम लोग जैसे कि सिंगल रोड पे जा रहे हैं, तो ये सिंगल, अभी आप देखेंगे कि मेरे बगल से कार निकल के गई है, सामने से कार आ रही है, तो आप अगर ध्यान राइट खोल कर, राइट मैम अगर ध्यान देंगे ना, तो उसकी लाइटें दिख रही हैं, लाइटें दिख रही हैं, और ये नहीं पता चल पा रहा है कि उस गाड़ी की दूरी क्या है, उस गाड़ी से हम कितना डिस्टेंस मेंटेन करके चले। तो रात में दोस्तों क्या करना होता है कि जब हम रात में चलाते हैं तो हमें सामने वाली गाड़ी की हेडलाइट को देख के जजमेंट लेना होता है। अगली गाड़ी की हेडलाइट को देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सामने से आने वाली छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, या हमारी गाड़ी से उस गाड़ी का डिस्टेंस क्या है। और एक चीज़ और, जब आप सिंगल रोड पे चलते हैं तो सामने वाली गाड़ी को जजमेंट करने के लिए आप पासिंग डिपर का यूज़ कर सकते हैं। जब आप पासिंग डिपर करेंगे तो उस हाई बीम लाइट होगी ना, लो बीम हाई बीम, तो उससे गाड़ी सामने वाली चमक जाती है, उससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको। यहाँ से लेफ्ट जाना मैडम, ऊपर को सिग्नल, हाँ, और राइट वाला पैर ब्रेक पर आपका, और टर्निंग के टाइम हल्का सा क्लच दबा के हल्का सा ब्रेक ले लीजिएगा, ताकि गाड़ी आपकी कंट्रोल में बंद ना हो, इंजन बुझे ना। अगर बिना क्लच के आप ब्रेक लगाओगे तो इंजन झटके मार के बंद हो जाएगा, अगर हल्का सा क्लच दबा के ब्रेक लोगे तो गाड़ी आपकी चलती रहेगी, रुकेगी नहीं, और इंजन फ्री हो जाएगा। अक्सर लोग क्या करते हैं कि बिना क्लच के ब्रेक ले लेते हैं स्लो गाड़ी में, तो गाड़ी झटके मार के इंजन बुझ जाता है, पावर ब्रेक होती है, डिस्क ब्रेक होता है। और अगर आप हाफ क्लच दबा लोगे उसके बाद ब्रेक लोगे तो आप सेकंड गियर में भी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। गाड़ी होगा क्या, जो आप 100% इंजन ताकत लगा रहा है सेकंड गियर में, तो वो 50% कर देगा। जब आप 50% क्लच दबा लेते हो और हल्का ब्रेक लेते हो तो इंजन फ्री हो जाता है, उसके बाद आप सेकंड गियर की स्पीड होती है 20-30, लेकिन उसके बाद भी मतलब आप इसमें कम से कम कर सकते हैं। यहीं से लेफ्ट लेना है, टर्न करो धीरे धीरे, हाँ गुड, आराम से कटी रहने दो फुल, वेरी गुड। अभी देखो सामने से बाइक आ रही है, तो बाइक कैसे आप जजमेंट करेंगे? तो सामने से जब कोई गाड़ी आए करे, अगर आप पासिंग डिपर दो ऊपर उठा के, हाँ 2-3 बार, हाँ और दो, ये देखो लाइट चमक रही है। अभी आगे जाके पेड़ के नीचे जब जाना फिर देना, अंधेरे में जब पासिंग डिपर दोगे तो और ज़्यादा आपको चमकेगा। अभी दो, एक दो बार पासिंग डिपर, तो देखो जब आप पासिंग डिपर दे रहे हो तो ये लाइट जो आपकी सामने वाली गाड़ी की एकदम उस पर लाइट पर पड़ रही है। अभी दो पासिंग डिपर है, तो जब आप देखो सामने से डॉगी है, जाने दो। तो होता क्या है कि जब सामने वाले की आंखों पे लाइट चमकती है ना, तो वो अलर्ट हो जाता है, वो चौकन्ना हो जाता है एकदम, वो समझ जाता है कि भाई सामने वाला इशारा कर रहा है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करो उसको। और जब आप पासिंग डिपर नहीं देंगे तो अगला बंदा एकदम आपकी तरफ एकदम ऐसे सटाता हुआ लेके चलाएगा। सिंगल रोड पे ये दिक्कत आती है, और अगर आप डिवाइडर रोड है तो सामने से कोई खतरा है ही नहीं, यहीं से राइट जाना है आगे से। टर्निंग के टाइम राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे आना चाहिए, हाफ क्लच जरूर दबा लेना टर्निंग पे। अभी मत काटो, अभी आपने पहले काट दिया है, अब यहाँ से राइट जाना है आराम से। अभी देखा ये गाड़ी निकल गई है, एकॉर्ड, ओल्ड वाली एकॉर्ड है, उसने ऐसी लाइट लगा रखी है कि नीचे ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब हेडलाइट ऑन ही नहीं है उसकी, इससे हो जाता है धोखा। नई वरना लेके आए हैं, एकदम न्यू ब्रांड, ट्रायल ले रहे हैं। लेफ्ट वाली लाइन में रखना, जो ये रोड पे वाइट पट्टी बनी होती ना, इससे बहुत हेल्प मिलती है। रात में लाइट पे ये चमकती हैं,
तो इससे ये पता चल जाता है कि गाड़ी की सिचुएशन क्या है, रोड की सिचुएशन क्या है, किस दायरे में हमको चलना है। अब जैसे सामने से गाड़ी आ रही, देखो राइट रखो, अभी जो ये राइट रखो, आपने ज़्यादा लेफ्ट दबा दिया। देखो मैम नीचे अब फुटपाथ पे गाड़ी उतर गई है, आपने ज़्यादा लेफ्ट दबा दिया था। ये जो वाइट लाइन आपको दिख रही है ना, ये वाइट लाइन से अंदर ही आपकी गाड़ी रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। ये जो वाइट लाइन और दोनों वाइट लाइन के बीच का दायरा है ना, ये 10 फीट चौड़ा है। ये टोटल जो आपका रोड है ये 20 फीट का रोड है। अभी आगे से लेफ्ट लेना है, हाँ लेफ्ट जाने से पहले आपको सिग्नल देना है, राइट वाला पैर ब्रेक पे लाना है, एक बार लॉन्ग हॉर्न बजाना है ताकि अगर दाएं बाएं से कोई आ रहा है तो वो अलर्ट हो जाए। और अपना लेफ्ट ही रखना, ज़्यादा राइट नहीं। जैसे ही आपका साइड मिरर क्रॉस करे उसके बाद आपको स्टीयरिंग घुमाना स्टार्ट कर देना है। ये जो आपका लेफ्ट वाला साइड मिरर है ये निकल जाए, मतलब यहाँ तक कि आपकी गाड़ी निकल जाए, इसका मतलब अब आपकी गाड़ी पूरी निकल गई है। उसके बाद आप स्टीयरिंग को घुमा सकते हैं और सीधी भी कर सकते हैं। अभी सीधा जाना है एकदम, आपको एकदम स्ट्रेट और लेफ्ट वाली ही लाइन में रखना। स्पीड बढ़ाओ, गुड। अब जैसे आगे से भी आपको लेफ्ट जाना है, चौराहा आ गया है, हाँ। तो आपको क्या करना है, राइट वाला पैर ब्रेक पे ले आना है, हाँ। टर्निंग के टाइम और हल्का सा क्लच दबा लेना। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, हर मोड़ पे फर्स्ट गियर कर लेते हैं, तो फर्स्ट गियर हमेशा नहीं करना होता है। फर्स्ट गियर की ज़रूरत वहाँ पे होती है जहाँ पे गाड़ी को रुक रुक कर बढ़ाना होता है। अभी यहाँ से लेफ्ट जाना है, अपना लेफ्ट ही दबा के रखो, ब्रेक पे पैर रखो, थोड़ा सा क्लच लो और लेफ्ट आओ, लेफ्ट 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 हल्का सा, बस राइट रखो थोड़ा। इधर देखो पोल था है, आपने ज़्यादा लेफ्ट हटा दिया, ज़्यादा लेफ्ट हटा दिया। थोड़ा सा और अगर लेफ्ट दबाती तो आपका पिछला हिस्सा जो था ना, पिछला डोर, तो आपको सीधा सीधा ब्रेक ले लेना था। कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन हो तो आप क्लच लेके ब्रेक लेके गाड़ी को रोक सकते हो, गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी हो जाएगी। पूरा क्लच देन ब्रेक, गाड़ी आपकी वहीं की वहीं खड़ी हो जाएगी। किसी भी गियर में आप पूरा क्लच दबा के ब्रेक ले लेते हो तो इंजन आपका फ्री हो जाएगा, गाड़ी रुक जाएगी। उसके बाद आप गियर चेंज कर लो, पहला गियर करके गाड़ी बढ़ा लो। अभी आपको सीधा जाना है, अभी एक काम करो, यहाँ से लेफ्ट लो स्लो, बस यहीं से जो पहला कट आ रहा है। आगे सिग्नल दिया आपने, हाफ क्लच दबाओ, थोड़ा सा ब्रेक लो, हॉर्न बजाओ, हाफ क्लच, हाँ बस। अब ये सेकंड गियर में ही आपकी गाड़ी है और सेकंड गियर में ही आपने कार को टर्न कर लिया। कुछ लोग क्या करते हैं कि हर टर्निंग पे फर्स्ट गियर करते हैं, वो फर्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट गियर होता है सिर्फ गाड़ी को मूव करने के लिए, ना कि चलाने के लिए। फर्स्ट गियर बस आपने गाड़ी स्टार्ट करी, थोड़ा सा बढ़ाया, सेकंड गियर डाल दिया। अब सेकंड गियर में भी तो आप बिना एक्सीलेटर चल सकते हैं, हाँ। तो जब आप सेकंड गियर में चल सकते हैं, बस होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा नैरो, जहाँ पे हमको एकदम स्लो करना, बहुत ही स्लो, हाँ। वहाँ पे आप हाफ क्लच दबा लो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, तो जो फर्स्ट गियर की स्पीड में गाड़ी चलती वो सेकंड गियर में चलने लगेगी स्लो। अब देखो नीचे फिर फुटपाथ पे उतार दिया आपने, यहीं से लेफ्ट लेना है, सिग्नल ब्रेक पे पैर हॉर्न, हाँ हॉर्न, बस यहीं से लेफ्ट टर्न करना है। अगला पहिया अगर आप फुटपाथ से उतारोगे ना तो पिछला तो और ज़्यादा नीचे चला जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगले पहिए और पिछले पहिए का जो बीच का गैपिंग है ना, अच्छा खासा गैपिंग है। बढ़ाइए स्पीड, बढ़ाइए, वो चला चला के आएगा मैम। ये जो वाइट लाइन है इस पर देखो, आपका जो अभी लेफ्ट वाला टायर है वो वाइट लाइन पर चल रहा था, अभी अभी दूरी बन गई है। हल्का लेफ्ट दबाओ, अब ये देखो और दबाओ लेफ्ट, बस अब चल रही, सीधी करो बस। अब ये वाइट लाइन पे आपका टायर चल रहा है एकदम परफेक्ट, पूरा वाइट लाइन पे। अब आपको यहाँ से देखो अंदाज़ा भी लग रहा होगा कि आपका टायर, अगर आप इस एंटीने को देखोगे और इस लेफ्ट वाले राइट जाना, लेफ्ट वाले शीशे, हाँ राइट जाना, लेफ्ट वाले शीशे को देखोगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है ना कि बंद गाड़ी में आपको टायर नहीं दिखते हैं, कोई भी कार में अगर आप बैठते हो तो आपको टायर नहीं दिखते हैं। टायरों का अंदाज़ा आपको लेना पड़ता है, करना पड़ता है। हल्का राइट रखो, हाँ अभी जाने दो, स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा। अभी आप कौन से गियर में हैं, सेकंड गियर में हैं। चलो हल्का सा रेस ले लो और सीधा जाना है हमें एकदम स्ट्रेट। जाने दो धीरे धीरे,
अब ये स्पीड ब्रेकर आ गया देखो यहाँ पे, हाफ क्लच लेके थोड़ा सा ब्रेक ले लेना जिससे कि आपकी गाड़ी कूदे ना, निकलेगी तब भी लेकिन वो कूदेगी नहीं। हाँ सीधा जाइए अभी तो। अब देखो फिर नीचे फुटपाथ पे मैम आपकी गाड़ी आ गई है, आधी गाड़ी नीचे उतर आई है, अभी आपको यहाँ से लेफ्ट जाना है। टर्निंग के टाइम आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे, हॉर्न चारों तरफ नज़र डाल के फिर आप लेफ्ट टर्न करेंगी। अभी आ जाओ लेफ्ट टर्न करो, गुड। अपनी वाली लाइन में रखो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, हाँ जाने दो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, गुड। स्टीयरिंग एक्चुअल में थोड़ा पास पकड़ लेती, मैंने बताया ना स्टीयरिंग का जो तरीका है पकड़ने का वहीं पे पकड़िए, अगर ज़्यादा पास पकड़ेंगे तो फिर वो उसका जो राउंड है ना वो आपको समझ में नहीं आएगा, गुड। अभी देखो राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे आया था, स्पीड ब्रेकर जब आपने क्रॉस किया तो पैर आपका ब्रेक पे नहीं आया था, धीमा तो कर लिए थे। अभी जब अगला जिससे पहले स्पीड ब्रेकर गया है उस पर आप जब अभी ब्रेकर से निकले तो आपका पैर ब्रेक पे नहीं आया था। हाँ ये जैसे अभी आपने देखो ब्रेक पे पैर रखा, गाड़ी गड्ढे में गई थी, छोटा मोटा गड्ढा है तो आप निकाल सकते हो, बट वहाँ क्या आपका राइट वाला पैर जो है वो ब्रेक पे आ जाना चाहिए जिससे कि गाड़ी आपके कंट्रोल में रहे और आपको कंफर्म हो कि हम कब क्लच दबा रहे हैं कब ब्रेक दबा रहे हैं। बस अभी सीधा जाके टी पॉइंट से राइट लेना है, सीधा लास्ट में जाके। सो गाइस अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, फिर मिलेंगे।